अपने पेरेंट्स के पास गया मम्मी और पापा बैठे थे, थे वहाँ पे और मैंने उनके पास एक चीज़ बोली कि नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला अच्छा रैंक क्या है मैंने 27 बोला एक ख्याल से बहुत अच्छा स्टूडेंट या अच्छा स्टूडेंट होना कई बार रोडा ही बन जाता है बिकॉज इसके अंदर बहुत फोकस्ड पढ़ाई चाहिए और एग्ज़ाम के हिसाब की ही पढ़ाई चाहिए और इसके अंदर नाइन्टी तो लाना नहीं है इसके अंदर फिफ्टी लाना है और इसमें तुक्कों का जुगाड़ का बहुत स्ट्रेटजाइजिंग का स्मार्ट वर्क का ज़्यादा काम है इसमें मेरा पर्सनल मानना यह भी है कि दसवीं और बारहवीं के एग्जाम अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आप एक किताब रटते हैं उसको वहाँ पर छा पाते हैं वो पढ़ाई तो है नहीं तो उसके बेसिस पर आप क्या जज करेंगे रिजल्ट के पाँच मिनट पहले ही मैंने लिखा था कि कोई भी नौकरी मिल जाए तो रैंक 27 हो कुछ भी हो मिल गई है आई एम नो मोर अनएम्प्लॉड है वन वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स दोस्तों आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और आज हमारे साथ हैं सक्षम गोयल सक्षम के साथ हमने पहले भी वीडियो किया हुआ है यूपीएससी भवन के बाहर जिस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है आपका और जैसे ही रिजल्ट आया उसमें आप लोगों के कमेंट्स आने लगे ट्वेंटी सेवन रैंक कॉन्ग्रेचुलेसन सक्षम तो जैसे हमें पता चला वैसे ही हमने सक्षम से बात करी और आगरा हम उनके हाँ घर पे आए हुए हैं तो आज हम बात करेंगे सक्षम से डिटेल में चर्चा करेंगे शॉर्ट में हमने जाना था पहले क्या स्ट्रेटजी थी उनकी और कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है सारी चीज़ें तो आज हम डिटेल में जानेंगे और उनके घर पे ही बैठे हुए हैं तो सक्षम सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को आपने अपना जो गोल था वो अचीव किया धन्यवाद थैंक यू सचम आज के दिन के बारे में बताइए जब आपका रिजल्ट आया तो किस टाइम पे आपको पता चला और उसके बाद आपने एक किस तरीके से किसको पहले बताया और क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का आ, मैं एक बजे दोपहर तो में उठा था सो के और आ, मेरे एक टीचर है राहुल सेंगर उनका मैसेज आया था कि कुछ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा तो मैंने बोला ठीक है फिर अपने मैं मदर के पास चला गया था वहीं पर मेरे पास मैसेज आया कि ट्वेंटी उनका तो मुझे लगा कि क्या बता रहे हैं मैंने जाके चेक करा मेरे रैंक फिर ट्वेंटी सेवन थी फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गया मम्मी और पापा बैठे थे वहाँ पे और मैंने उनके ऊपर एक चीज़ बोली कि नौकरी लग गई तो उन्होंने बोला अच्छा रैंक क्या है मैंने ट्वेंटी सेवन बोला ओके okay, थोड़ा आप डिटेल में अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा बचपन के बारे में बताइए किस तरीके से शुरुआती दिन रहे कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी टेंथ तक मैंने यहीं पर आगरा में सेंट कॉर्नज इंटर कॉलेज से अपना टेंथ करा उसके बाद एलेवंथ ट्वेल्थ मैंने ह्यूमैनिटीज़ डी पी एस वसंत कुंज से करी वहाँ पर जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो पहली बार मुझे यूपीएससी का सिलेबस वहीं पे पता चला तो मैंने वहाँ पे लक्ष्मीकांत जो थी वहाँ पर सबसे पहली बार पढ़ी थी उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर मैंने फिर जब सेंट स्टीवन्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स और पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में तब फर्स्ट ईयर मैंने पूरा डेडिकेट कॉलेज सेंट्रिक पढ़ाई में ही करा सेकेंड ईयर में एक कोचिंग ज्वाइन करी पर उस कोचिंग को ज़्यादा अटेंड नहीं करा क्योंकि मुझे कोचिंग समझ में नहीं आई ज़्यादा लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर मैंने फिर अपने जो कन्वेंशनल बुक्स होती हैं लक्ष्मीकांत बिपिन चंद्रा और ये सारी चीज़ें इन सब को मैंने पढ़ लिया पर नोट्स नहीं बनाए और जो पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल मैंने डिसाइड करा था उसको मैंने इस तरीके उसका सिलेबस जो था वो देख लिया कि अच्छा ये चीज़ जो है ये मेरे ग्रेजुएशन के साथ सिंक में है थर्ड ईयर में आके फिर मैंने यू uh, बंद कर दिया और अपना जो एक और ऑप्शन था मेरा जिसके साथ मैं कन्फ्यूज़ था इकोनॉमिक्स में एकेडेमिया में जाना उसके लिए हार्वर्ड समर स्कूल में मैंने ढाई महीने का एक कोर्स था वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में वो करा उसके बाद फिर थर्ड uh, ईयर पूरा कॉलेज सेंट्रिक रहा फिर कोविड uh, आ गया वापस घर पे आ गया और घर पे आने के बाद फिर एक साल की पढ़ाई जो पूरी प्रॉपर पढ़ाई होती है वो करी जिसके अंदर जो एक जो कन्वेंशनल रूट है पढ़ने का वही करा उसमें कुछ चेंजेस थे वो मैं बता दूंगा और एक साल की ये प्रेपरेशन और एक साल एग्जाम देते हुए आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है बहुत सारे एस्परेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक साल दो साल तीन साल उनको हो गया इसमें तो आपको शुरुआती गाइडेंस कहाँ से मिला फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया तो स्ट्रेटजी आपकी जाहिर सी बात है थोड़ी अलग रही होगी डिफरेंट रही होगी तो उसके बारे में बताइए शुरुआती गाइडेंस कहाँ से मिला आपको Uh, एक तो क्योंकि ऑन एंड ऑफ मेरा चल रहा था यू का तो फिर उसी में पता चल जाता है जो टॉपर स्टॉक्स होती हैं उससे स्ट्रैटेजी बनती रहती है uh, कोई अलग चीज़ आप जो कह रहे हैं वो नहीं कह रही बस एक चीज़ थी कि मुझे आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो मैंने आर्ट एंड कल्चर सिरे से छोड़ दिया एंशेंट और मेडिवल बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें पूरा छोड़ दिया जिससे मैं बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे पाया ओके फर्स्ट टाइम आपको कब लगा कि यूपीएससी की तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए और इसमें होता है कि फैमिली से इंस्पिरेशन मिलता है या फिर किसी फ्रेंड को देखा या फिर रिलेटिव ने किसी ने क्रैक किया हो उसके बारे में थोड़ा बताइए फर्स्ट टाइम कब पता चला यूपीएससी के बारे में फर्स्ट टाइम तो बचपन में बिकॉज़ फैमिली में बहुत ब्यूरोक्रैट्स हैं मेरे ग्रैंडफादर रेलवेज़ में थे मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसज में थे बाकी लोग भी गवर्नमेंट में रहे हैं तो यू का पता तो बचपन से ही था तो पहला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो यही है दूसरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये रहा कि जब कॉलेज गए तब कई अलमनाएं थे जो सर्विसेज में रहे तो जब उनके लेक्चर सुनते थे तो लगा कि हाँ ये जो जॉब है इसमें शायद जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तीसरा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो उसके अंदर मैं 1970s, 80s, 90s के जो जर्नलिस्ट्स हैं ब्यूरोट्स हैं इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी बुक्स पढ़ता था तो उन बुक्स को पढ़ के लगा कि ये जो जॉब है दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ डूइंग ओके okay. uh, आपकी जर्नी के दौरान ही लॉकडाउन आया हुआ था जैसा कि आपने बताया लॉकडाउन में सभी डिमोटिवेट थे और uh, सबका काम धंधा जो था वो जैसा कि रुक गया था लेकिन आप पढ़ाई में लगे हुए थे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उसके बारे में बताइए वहाँ पे मोटिवेशन कैसे आपको मिल रहा था इंस्परेशन कहाँ से आपको मिली थी कि मुझे नहीं अभी लॉकडाउन है तो और अच्छा किस तरीके से यूटिलाइज़ किया उस चीज़ को वो जानना चाहता हूँ uh, जो प्रोसेस था उसके अंदर पहले तो ये चीज़ आई वॉज टोल्ड बाई समन कि इट्स नॉट अ स्प्रिंट इट्स अ मैराथन कि बहुत लंबी दौड़ है तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट पहले से ही नहीं करना है तो स्टार्टिंग में केवल न्यूज़पेपर्स पे पर एक दो महीना दिया उसके बाद फिर धीरे धीरे जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता था जोग्रफ़ी वो करा उसके बाद ईजी सब्जेक्ट करा और इस पूरे में स्टार्टिंग में मैंने ध्यान दिया उन टॉपिक्स को जो केवल मेन्स में आने हैं ऐसे एथिक्स इंटेग्रिटी शायद लेज़ी था इसलिए इन टॉपिक्स को पकड़ा था उसके बाद जहाँ तक मोटिव थक जाने की बात है उसके अंदर मैं अपनी फैमिली के साथ लूडो खेलता था दिन में पाँच पाँच छः छः गेम लूडो हर रोज़ खेलता था तो उसी में आराम हो जाता था ओके okay. फैमिली uh, ने किस तरीके से हेल्प किया आपके जर्नी में आप अपना इस आपने तो अभी इस बात है मेहनत करी है इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे श्रेय कोर्स फैमिली और टीचर्स को टेंथ uh, में आई गॉट नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट तो उसके बाद यूजली uh, पेरेंट्स का कई बार प्रेशर होता है कि भाई साइंस लो बट uh, मेरे फादर ने बोला था कि जो पसंद हो वो लो और अगर ह्यूमैनिटीज़ पसंद है तो ह्यूमैनिटीज़ लो तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था तो जो पेरेंटल सपोर्ट है मदर का जो सपोर्ट होता है पूरे टाइम हर चीज़ देखना विदाउट इवन सेंग एनीथिंग तो पेरेंटल सपोर्ट जो है ब्रदर की गाइडेंस मेरी भाभी हैं उनकी सपोर्ट uh, तो पेरेंटल सपोर्ट प्लस टीचर्स का सपोर्ट एक uh, टीचर है राहुल सेंगर नेक्स्ट आई एस में मैंने उन्हें प्रीलिम्स के बाद बस एक थैंक यू भेजा था जबकि उनका केवल एक ऑनलाइन कोर्स था डेढ़ महीने का जिसके अंदर उनकी दो क्लासेस थी मैंने उन्हें एक मैसेज करा था थैंक यू सो मच सर आपने वो करा ये दो क्लासेस ली जिससे मुझे फ़ायदा हुआ और वो उन्होंने उसके बाद मुझे थ्रू आउट मेन्स और थ्रू आउट इंटरव्यू उन्होंने मुझे हेल्प करी मुझे मैसेज करते रहे कि ये भी है वो भी है तो जो टीचर्स हैं और वो जो टीचिंग स्पिरिट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay, आपकी 27 रैंक आई है तो ये एक कितना एक्सपेक्टिंग था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी 27 बहुत अच्छी रैंक होती है या फिर आप अभी निराश हो कि मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई या फिर सेकंड नहीं आई क्या सोच रहे थे जब आप इंटरव्यू देकर आए थे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना मतलब कैसा रहेगा रिजल्ट नहीं रिजल्ट के पाँच मिनट पहले ही मैंने लिखा था कि कोई भी नौकरी मिल जाए तो रैंक ट्वेंटी हो कुछ भी हो मिल गई है आई एम नो मोर अनएम्प्लॉयड ओके okay. uh, अभी हम जो नए एक्सपेरेंट्स इसमें तैयारी में आना चाहते हैं उनका स्टेज अभी इंस्टाग्राम पर आप देखते हो रील्स वायरल होते हैं आई की शादी हो रही है आई पी की शादी हो रही है आई की एंट्री जो भोकाल टाइप की चीज़ें वो देख कर मोटिवेशन uh, लेते हैं जो टेंथ में है ट्वेल्थ में इवन सेवंथ एटथ स्टैंडर्ड में उनको आई एस बनना है तो उनका भी मोटिवेशन का सोर्स इंस्टाग्राम रील्स है तो उन एक्सपेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे इसमें किस तरीके से उनकी एंट्री होनी चाहिए जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने अपना जो मनपसंद जॉब है वो आपने प्राप्त किया तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे जहाँ तक ये भोकाल की बात है आ, सबसे पहले इसी मिथ को तोड़ लेना चाहिए क्योंकि जिनसे मैंने बात करी है जो सर्विसेज में है पहले दो चार साल ज़्यादा ज़्यादा उसका कोई फ़र्क पड़ता है उसके बाद जो जॉब है वही करनी है तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने करा कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बुक्स पढ़ लीजिए जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं पी सी बी डी पांडे इनकी बुक्स पढ़ लीजिए जिससे पता चले ये जॉब क्या है ये जॉब केवल डी पे ख़त्म नहीं होती वहाँ से कई बार शुरू होती है तो उस जॉब के बारे में अगर आप समझ जाएं और उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएं तो अपने आप ही आप मोटिवेट हो जाएंगे ओके okay. uh, नहीं ये कहीं ना कहीं जब तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो आता ही है जैसे आठ घंटे हमने पढ़ाई करी फिर जब पढ़ाई करके हम बैठते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो आता ही होगा कि जब हम आई बन जाएंगे उसके बाद गाड़ी होगी बंगला होगा ये सारी चीज़ें तो वहाँ से मोटिवेशन तो थो थोड़ा बहुत मिलता है किस तरीके से आप सोचते थे कि आई बनने के बाद किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी नहीं इतना नहीं सोचा था मैंने ये सोचा था कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं अभी तक मैं थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये सब उसको मैं एक्चुअल रियल लाइफ में देखूंगा घर गाड़ी वो सब तो मिल ही जाएगा लेकिन ये चीज़ जो है जो मेरा रियल पैशन है वो अगर रियल लाइफ में लिव करने को मिले तो उसका ज़्यादा मजा है ओके okay. आप किस तरीके के छात्र थे शुरुआत में आपने बताया तो किस तरीके के छात्र थे जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हर जगह बोलते हैं जब कोई बंदा थोड़े तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए होते टेंथ ट्वेल्थ में तो घर पे जब बोलता है आई की तैयारी करना है तो रिलेटिव्स के भी रिएक्शन होते हैं फ्रेंड्स के भी कि आई बनने चला है टेंथ ट्वेल्थ अच्छे से हुआ नहीं है तो कितना इसमें रोल प्ले करता है कि आपकी अकेडमिक्स अच्छा हुआ हो स्कूलिंग अच्छी हुई आप किस तरीके के छात्र थे मार्क्स मेरे जो कन्वेंशनल हिसाब है उसमें तो अच्छे ही आते थे लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टूडेंट या अच्छा स्टूडेंट होना कई बार रोडा ही बन जाता है बिकॉज इसके अंदर बहुत फोकस्ड पढ़ाई चाहिए और एग्ज़ाम के हिसाब की ही पढ़ाई चाहिए और इसके अंदर नाइन्टी तो लाना नहीं है इसके अंदर फिफ्टी लाना है और इसमें तुक्कों का जुगाड़ का बहुत स्ट्रेटजाइजिंग का स्मार्ट वर्क का ज़्यादा काम है तो अगर आप लिस्ट भी देखें तो ज़्यादातर लोग जो मेरा मानना है आई डोंट हैव द डेटा ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में जो कन्वेंशनल पढ़ाई है उसमें अच्छे नहीं हैं इसमें मेरा पर्सनल मानना ये भी है कि दसवीं और बारहवीं के एग्ज़ाम अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आप एक किताब रखते हैं उसको वहाँ पर छा पाते हैं वो पढ़ाई तो है नहीं तो उसके बेसिस पर आप क्या जज करेंगे ओके okay, राइट right. तो कहने का मतलब ये है कि आपका एकेडमिक्स कैसा भी हुआ हो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो आईएएस बन सकते हैं ठीक है जब आपके मन में आया कि अब मुझे आईएएस की तैयारी करना है उसके बाद दिमाग में आता है कि कोचिंग लेना पड़ेगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं दिल्ली में चल रहे हैं अलग अलग जगह पर चल रहे हैं हो गया ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं तो लाखों रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं और दूसरा फिर आ, क्या रिसोर्सेज होगा क्या कैसे शुरुआत कैसे करनी है तो वो कैसे आप करा कैसे डिसाइड किए कि कोचिंग करना है या नहीं करना और शुरुआत कैसे करनी है देखिए कोचिंग में मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो जो आ, आपने कुछ नाम लिए उनमें मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जो ब्रिक एंड मोर्टर हैं जिनका कई सालों से चल रहा है जहाँ पे टीचर्स मैं जानता हूँ कि फेमस हैं उन पर मुझे ज़्यादा भरोसा रहता है उनके अंदर फिर क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम था उसके अंदर मैंने कुछ कोर्सेज़ लिए जो अच्छे थे और कुछ कोर्सेज़ लिए जो मुझे अच्छे नहीं लगे जो अच्छे थे उन्हें बार बार देखना टू एक्स पे देखना उससे बहुत फ़ायदा हुआ अब इसके अंदर हिट एंड ट्राई हिट एंड ट्राई लग तो है ही लेकिन अगर आप कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स uh, जिनकी रेपूटेशन अच्छी है उनके मॉड्यूल्स वो लें जिनमें आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कोचिंग की जैसे मुझे करंट अफेयर्स लगता था कि मैं इतना सारा टाइम न्यूज़पेपर में नहीं दे सकता तो मैंने उसकी कोचिंग ले ली वो अच्छी रही मुझे ऐसे में लगा नहीं था ज़रूरत है पर एक उसका ऐड अच्छा लगा था शुरुआती था मुझे वो बहुत ख़राब लगा उसका मैंने वीडियो भी नहीं देखे तो हिट एंड ट्राई लक है आप अपने हिसाब से देखिए आपको किसकी ज़रूरत है ओके अभी आपके रूटीन के बारे में बात करेंगे इसमें कहा जाता है कि घंटों देने पड़ते हैं और टीवी देखना या फिर बाहर रिलेटिव्स के यहाँ जाना शादी वगैरह ये सब छोड़ देना पड़ता है बिल्कुल बंद होना पड़ता है रूम में तो आपका किस तरीके का रूटीन था कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे आ, नहीं ये सब मैंने छोड़ा तो नहीं था हाँ शादियों में नहीं जाता था क्योंकि मुझे मन नहीं होता था तो ये अच्छा बहाना था लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है मैं रात को दस बजे शुरू करता था और सुबह तीन चार बजे या पाँच बजे तक पढ़ता था उसके बाद घर वालों के लिए चाय बनाता था और फिर सो जाता था क्योंकि अगर घर में कोई भी जाग रहा होता तो पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाती थी और फिर दिन भर में पढ़ाई से कुछ नहीं करना होता था दिन भर में लूडो खेलो फुटबॉल खेलो दोस्तों से बात करो सोशल मीडिया यूज़ करो जो करना है करो ओके स्पेसिफिक प्रीलिम्स की बात करेंगे अभी पाँच जून को प्रीलिम्स होने वाला है दो चार पाँच दिन बचे हुए हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और जो पाँच पाँच तारीख को प्रीलिम्स देंगे उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे सबसे पहले तो मैं एक राइडर दे दूं जो कट ऑफ थी वो 87.5 थी और मेरे 88.22 एट हैं तो केवल पॉइंट सेवन मार्क्स का डिफरेंस है तो मैं परफेक्ट वो गाइड नहीं हूँ इसमें लेकिन मेरे ख्याल से एक जो भी कर रखा है उसमें अब इस स्टेज पे कुछ और नया पढ़ने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए जो पढ़ रखा है वो काफ़ी होगा क्योंकि तीस पैंतीस क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं उसके आगे लक है आप कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे क्योंकि जो मार्जिन है वो हमें हर कोई मार्जिन पर ही होता है दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे में सारा खेल हो जाता है दूसरा आप प्रीलिम्स के अंदर उस दिन क्या होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फ्रेश माइंड से जाइए बिना टेंशन के जाइए और तीसरा बहुत ज़्यादा अनसर्टन है कितना भी कोई भी कर ले जिसके सारे मॉक्स में 120 आ रहे हैं उसका भी नहीं हो सकता है और जिसके हर एक में 80 आ रहे हैं उसका भी हो सकता है उस अनसर्टनिटी को समझिए इट फाइंड कंफर्ट इन योर फैमिली एंड देन गिव द एग्जाम ओके okay. uh, अभी जो अभी अपने नए स्प्रेंड्स के लिए आपने अपना मैसेज दे दिया स्ट्रेटजी बता दी जो एस्परेंट्स इसमें जूझ रहे हैं जो शुरुआत में मैंने आपसे बात करी थी तो तीन अटैम्प्ट चार अटैम्प्ट हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हैं कुछ तो तैयारी छोड़ने की बात कर रहे हैं कुछ कहते हैं इसमें मतलब वो फंसते गए हैं कि अब निकल भी नहीं सकते हैं और हो भी नहीं रहा है उनका तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे क्या लगता है कि आपको क्या गलतियाँ वो कर रहे होंगे कुछ गलतियाँ आपने नोटिस की हूँ अपनी तैयारी में देखिए जो लोग छोड़ने का सोच रहे हैं दो टाइप के होंगे एक जिन्हें लगता है कि ये सर्विस उन्हें पसंद नहीं है और वो अपने प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं वो किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन्ट्रप्रेन्यर बन सकते हैं उन लोगों को छोड़ देना चाहिए पर जिन लोगों को लगता है कि उन्हें ये सर्विस अच्छी लगती है वो लोग मेहनत करते रहें क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा अनसर्टेन है प्रीलिम्स के बाद भी कोई कुछ नहीं कह सकता मेंस के बाद भी कोई कुछ नहीं कह सकता अगर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो हो जाएगा जहाँ तक गलतियों की बात है उसके अंदर एडवाइस देने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो वो एडवाइस देने वाले कम रहे हैं इसलिए मैं भी अभी कमी दूंगा ओके सचम फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आ, आपने तैयारी के दौरान भी और अभी आई बनने के बाद आप किस सेक्टर्स पे ज़्यादा काम करोगे क्या आपका फोकस रहेगा तीन सेक्टर्स आ, हेल्थ एजुकेशन और सोशल वर्क और उसके अंदर मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट बिहेवियल इकोनॉमिक्स रहा है उसका पॉलिसी मेकिंग में बहुत रोल है जो लास्ट पाँच छः साल में हुआ है विद द जैम ट्रिनिटी जंदन आधार मोबाइल उसको हम लोग किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में बिहेवियल इकोनॉमिक्स का रोल रह सकता है इन थ्री एरियाज़ में वो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा ओके थैंक यू सो मच सचम और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन आपने अपना गोल अचीव किया yeah. आई होप दोस्तों सचम की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और उनकी जो स्टेट्स है वो आपको जानने को मिली ऐसी ही लगातार हम टॉपर्स के साथ बात करते रहेंगे एस एस सी भी काफ़ी टॉपर्स से हम बात करते हैं वो भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या कमियाँ हैं क्या गलतियां हैं उनको हम लगातार दूर कर रहे हैं धीरे धीरे सीख रहे हैं आगे बढ़ के और अच्छा कॉन्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी होते हैं। डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगा चलिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर